Hello students, hoping that you are all fit and fine. So here now we are going to start with our next chapter, which is very very important. So we are starting with the next chapter of physics known as machines. Alright, so very very important chapter known as machines. We are going to start with machines. Alright. अब जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि मशीन एक्चुअल में होता क्या है. नाउ व्हाट बेसिकली अ मशीन इज. नाउ अ मशीन इज एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट. अब ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज. एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन फैक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड एज मशीन. Now what basically is meant by this statement? इस statement का मतलब है कि कोई भी वो चीज मशीन कहला सकती है जो हमारा काम या हमारा एफर्ट कम करे. Alright? So कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एफर्ट को कम कर दे और हमारा काम बन जाए, that equipment or that device will be termed as machines. अब machines बहुत तरह के हो सकते हैं. Machine could be a liver is also a machine. Alright, then we will be talking about, you would say, inclined plane. Inclined plane is also a type of machine. Then we are having gears, then pulleys. So all of these, levers, inclined plane, gears and pulleys, these all are the examples of the machines. Each and everything that we see in our daily life, it will be categorized as machines. So now in the, you would say, latest syllabus, the inclined plane and gears have been removed. So in this chapter, we will be only discussing about the liver as well as the pulleys. Alright? So here we will be talking about the liver as well as the pulleys. Alright. Ab hame machines chahiye kyun? Why there is a need of machine? To, sabse pehle cheez, why we need machine? और दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं कि मशीन क्या क्या काम कर सकती है. ऑलराइट, सो व्हाट डज अ मशीन कैन परफॉर्म. ऑलराइट, सो व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट अ मशीन कैन परफॉर्म. ऑलराइट, द फर्स्ट फीचर इज जो मशीन है ये हमारे लिए एक्ट कर सकती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. मशीन हमारे लिए एक्ट कर सकती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. अब फोर्स मल्टीप्लायर क्या है कि हमारा जो एफर्ट है द एफर्ट दैट वुड बी लेस एंड दैट लेस एफर्ट इज केपेबल ऑफ यू वुड से पिकिंग अप अ हैवियर लोड. ऑलराइट, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी एज इफ विल हैव टू पिक अ लोड और वी विल हैव टू पिक अ वेट ऑफ 100 newtons. It will have to pick up the weight of 100 newtons and instead of applying 100 newton of the force to hold or to lift up this weight, if we only require half of the effort, this thing can be possible by using a particular machine. अब इस machine ने क्या किया, हमारे काम को कम कर दिया और उतने ही कम और कम एफर्ट से हम उतना ही लोड उठा सकते हैं जो कि हमें बिना मशीन से इतनी फोर्स लगा के उठाना पड़ता. यानी कि मशीन को यूज करके हमने क्या किया, 100 न्यूटन का जो फोर्स पहले हमें 100 न्यूटन की फोर्स लगा के उठाना पड़ रहा है वो अब हमें सिर्फ 50 न्यूटन की ही फोर्स से उठाना पड़ेगा बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन. So it multiplies our force. We are applying less force in order to overcome a more weight or more load. Alright. अब दूसरे में क्या help कर सकते हैं? They can also act as a speed multiplier. अब ये speed multiplier कैसे act कर सकते हैं? See, हमने कुछ डिस्टेंस जो लगाया, सपोज मैंने किसी चीज को पुश किया एट अ डिस्टेंस एक्स, आफ्टर पुशिंग दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी 2x इन द सेम टाइम. आई हैव अप्लाइड दिस थिंग एक्स
एंड एट द सेम टाइम द डिस्टेंस मूव्ड बाय द अदर थिंग विल बी 2x. अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं पुली की. चलो हमने एग्जांपल ले ली पुली की. अगर मैं एक तरफ से पुली को खींच रहा हूं विद द डिस्टेंस x, मैंने एक बार डिस्प्लेसमेंट दी x, दूसरी साइड पे जो लोड पड़ा है अगर वो 2x डिस्टेंस से ऊपर को मूव हो जाता है, अगर वो लोड 2x डिस्टेंस से मूव हो जाता है तो मैंने x डिस्टेंस से नीचे खींचा, उसी टाइम में वो 2x डिस्टेंस में ऊपर मूव हो चुका है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल थिंग दैट वी आर डिस्प्लेसिंग इट विद x. हमने x खींचा, वो उधर से 2x ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्वाइस एज मच द वेलोसिटी वी हैव अप्लाइड. वी हैव अप्लाइड ओनली x displacement in one in you would say t times. In that t time only it has raised up to 2x height. So what is velocity? 2x by t. Their velocity is x by t. So it means velocity is 2 times of the initial velocity or the velocity which will be applied by us. So in that case it will be acting as a speed multiplier. So in that case a speed multiplier bhi kaam kar sakta hai. Teesri cheez, to change the direction or to change the point of application of effort. To change the direction of application of effort. तो ये तीसरी चीज है जिसके लिए ये beneficial है कि अगर हम change कर सकते हैं point of application of effort, कि effort जहां पे हमें चाहिए हम वहां पे ना लगाते हुए किसी और पॉइंट पे एफर्ट लगाएं तो भी जो काम है वो कौन कर सकता है, मशीन. कैसे? जैसे हमारा साइकिल है, साइकिल में क्या है, हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं पेडल पे, बट जो हमारा काम है वो है हमें उसका रियर टायर जो है पीछे वाला टायर उसको मूव करवाना है. नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग द फोर्स ओवर दैट रियर व्हील व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट चेंजिंग The point of application of effort. अब हमने effort उस wheel पे ना लगा के एक pedal पे लगाया, हमने pedal को घुमाया जिसकी वजह से wheel है जो वो घुमा. With the help of that chain and sprocket arrangement, जो हमारी chain है उसकी वजह से वो force उधर उसको rear tire को मिल गए. तो जिसकी वजह से क्या है, हमने अपना point of application of effort बदल दिया है, यानी again वो जो chain और sprocket system है that will be termed as machine. तो वो भी क्या है, मशीन. तो ये भी मशीन का एक काम. और आखिरी काम जो मशीन परफॉर्म करती है, द लास्ट थिंग इज दैट मशीन कैन हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. ऑल राइट, अब इस चीज को ध्यान से सुनो. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन व्हेन और वेयर इट विल कम इन द चैप्टर दैट विल डिस्कस इन दैट प्लेस. सो इट हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट. अब देखो, अगर हमें कुएं से पानी निकालना है तो पानी की बकेट नीचे है, हम ऐसे ऐसे करके पानी निकाल सकते हैं. बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल फोर्स वी कैन लिफ्ट द वॉटर बकेट. लेकिन उसमें क्या है, हमें बहुत ज्यादा जो है फोर्स लगानी पड़ती है. ऑल राइट, और उसमें क्या है कि हमारा जो एफर्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है, हमारा एफर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको खींचने में लग रहा है, तो जिसकी वजह से हमें जो स्ट्रेस या थकान है वो बहुत ज्यादा होगी. अगर हम उस चीज को एक पुली के हेल्प से हम एफर्ट की डायरेक्शन इधर वाली साइड पे कर लेते हैं, यानी विद द ग्रेविटी कर लेते हैं, तो हमें वो बकेट सेम लोड की ही उठाने के लिए हमें इतना स्ट्रेस या इतनी थकान नहीं होगी. तो हमने पुली यूज की जो कि क्या है, एक मशीन. वर्टिकली उठाने की बजाय वर्टिकली अपवर्ड हम अब उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स उठाने लग गए. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पुली है उसने क्या किया, इट हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. अब इससे हमारा एफर्ट लगाने की डायरेक्शन है जो वो बदल गई. तो ये जो चार काम है ये मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से करती है. या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है, या स्पीड मल्टीप्लायर, या तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज कर सकती है, या फिर वो चेंज कर सकती है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मशीन. अभी हमने कोई भी न्यूमेरिकल
और या फिर कोई भी चीज नहीं की, बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो अभी हमें डिस्कस करने हैं. सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट दी मशीन्स. ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो वी नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज. अब टर्मिनोलॉजी में जो पहली है दैट इज द लोड. अब जब हम मशीन चैप्टर पढ़ेंगे तो व्हाट इज बेसिकली अ लोड. नाउ अ लोड इज अ रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन विच इज टू बी ओवरकम्ड बाय एफर्ट. अब लोड क्या है? एक ऐसी रेजिस्टिव फोर्स, ऑपोजिट फोर्स जो कि मशीन हमें दे रहा है, जिसको हमें ओवरकम करना है अपना एफर्ट लगाने के बाद. ऑलराइट, अब मशीन है, मशीन के ऊपर कुछ लोड तो पड़ा ही होगा जिसको हमें ओवरकम करना है. लोड इज लाइक दैट बकेट विल बी एक्टिंग एज अ लोड बाय द मशीन बिकॉज दैट बकेट इज अटैच्ड टू द सिस्टम ऑफ द मशीन. नाउ वील हैव टू अप्लाई द एफर्ट टू लिफ्ट दैट बकेट. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट अ लोड इज. नाउ व्हाट इज एफर्ट? This is now simple. It is the force applied on the machine, जो कि अब हम मशीन के ऊपर लगाएंगे टू ओवरकम द लोड. इस लोड को ओवरकम करने के लिए हम कितनी फोर्स लगाएंगे, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एफर्ट. लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल एंड एफर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई. दिस इज लोड एंड दिस इज एफर्ट. ऑलराइट, ठीक है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज द मैकेनिकल एडवांटेज. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज. अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट. What basically is the mechanical advantage? Mechanical advantage is equals to load by effort and it will be written as L by E. So mechanical advantage is load by effort. Now, what is basically a load? Load is a force. What is effort? Effort is also a force. So its its SI units will be Newton because it is force. Its SI units is also Newton. So Newton and Newton cancel. So mechanical advantage has no units. So what are the units of mechanical advantage? No units. So mechanical advantage is written as load by effort. All right. Now what basically is the next term is velocity ratio. Velocity ratio is defined as distance moved. All right, let it be. Velocity ratio is velocity of effort divided by velocity of load. See, we are applying the effort with some velocity and the load will be lifting up with its own velocity. So it will be represented as VE, velocity of effort divided by velocity of load. So velocity of effort divided by velocity of load will give the velocity ratio. Now from here only one more thing we are going to discuss. Now let us suppose that distance moved by effort and distance moved by load is in same time. The distance moved by effort and distance moved by load, it is at the same time. Both of them is occurring at this time t. Then what would be the distance moved by effort or what would be VE? VE is distance by time, DE by T. What is VL? This is DL by T. VE is DE by T, VL is DL by T. So put it over here. DE by DT, DE by T upon DL by T. So T and T cancel. So it can also be written as DE by T. dt.
these are just the terminologies. What are their functions? That we'll discuss when we will be actually coming into the topic. अब जो mechanical advantage है, इसके पास कोई units नहीं है. What is velocity ratio? It is the ratio of VE to VL. It can also be written as DE to DL. It can also be written as distance moved by effort divided by distance moved by load. Now this is velocity meter per second. This is meter per second. So again no units. DE is meter, DL is meter. So again velocity ratio, it has no units. So again, velocity ratio, it does not have any unit. It is a unitless quantity. Again, mechanical advantage, it is not having any units. Alright. Now, the next terminology that we are going to discuss is the work done. The work done. Now, what basically is the work done? There are two types of work done here. One is the work input, other is the work output. अब ये सोचने वाली बात है कि input work कौन कर रहा है? Input work कौन कर रहा है? If we are talking about the input work. Input is the thing जो हम machine के ऊपर लगा रहे हैं, that is our input. जो machine हमें बदले में दे रहा है, that is output work. अब इनपुट वर्ड हम इनपुट वर्क हमने लगाया एफर्ट ने, सो इट वुड बी एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेट इट बी लाइक दिस. सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब हमने फोर्स जो इनपुट करनी है, दैट इज इनपुट, उसमें फोर्स कौन सी लग रही है हमारी, विच इज एफर्ट, इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट. सो इट इज डीई. अच्छा, तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है? व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज एल, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. बिकॉज आउटपुट में क्या है, लोड कितना मूव हो रहा है, दैट इज अवर आउटपुट. ऑलराइट, सो दिस इज वर्क इनपुट, दिस इज वर्क आउटपुट. ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी क्या है? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज डिटरमिन्ड बाय दिस सिंबल ईटा, डिटरमिन्ड बाय दिस सिंबल ईटा, एंड ईटा इक्वल्स टू वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट. सो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, सो दिस वुड बी लाइक दिस, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट. ऑल राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी. अब इसी को देखते हुए हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आएंगी, विच वुड बी एक्चुअल मशीन एंड आइडियल मशीन. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आइडियल मशीन. अब आइडियल मशीन क्या है? आइडियल मशीन वो है जिसमें हम मान के चलते हैं ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई एनर्जी लॉस हो रहा है, सारा कुछ परफेक्टली चल रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. इट मींस अगर कुछ नहीं हो रहा, किसी चीज में कुछ लॉस नहीं हो रहा, इट मींस फॉर आइडियल मशीन वर्क इनपुट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट. जितना हमने काम किया वो सारे का सारा काम हमें आउटपुट में मिल गया. इट मींस कुछ भी हमारी एनर्जी है जो वो वेस्ट नहीं हुई. वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट. अब इसमें से हमें देख के वो पता चल रहा है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट. अब ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ गई? वन. एफिशिएंसी इक्वल्स टू वन. सी इफ विल पुट इट हियर वन, देन ओनली डब्ल्यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू ओ. इट मीन्स आइडियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? हमेशा वन. द आइडियल मशीन, द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन इज वन. नाउ आइडियल मशीन इज ऑब्वियसली अ नॉन रियल मशीन बिकॉज इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो देयर इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमेशा दो सर्फेसिस के बीच में होती ही होती है. इसलिए कोई भी मशीन इस यूनिवर्स की आइडियल मशीन नहीं है. सभी की सभी एक्चुअल कैटेगरी में आती है. अब Now this is the efficiency which is 1, or we can write it as 100% efficient.
हरेड एफिशिएंसी इज 100%। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% मतलब जितना हमने इनपुट वर्क किया उतना ही हमें वर्क आउटपुट में मिल गया। ठीक है, अगली एक्चुअल मशीन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मशीन। अब अगेन हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में या एक्चुअल सिनेरियो में क्या हो रहा है, देयर आर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो होती है दो सर्फेसिस के बीच में। एनर्जी लॉस ये भी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर थिंग। सो एक्चुअल मशीन में क्या है, जो वर्क आउटपुट है हमारा दैट इज लेस एज कंपेयर टू वर्क इनपुट। यानी हमें इनपुट ज्यादा काम करना पड़ रहा है लेकिन उसकी वजह से जो हमें आउटपुट मिल रही है दैट इज वेरी वेरी लेस। तो इनपुट हमें बहुत ज्यादा करने पड़ रही है लेकिन आउटपुट हमें उतनी नहीं मिल रही। ऑल राइट, सो इट मीन्स फ्रॉम हियर WO बाय WI इज लेस देन 1। WO बाय WI इज लेस देन 1। अब ये तो मैथ्स है, WO बाय W1 इज लेस देन 1। ऑल राइट, अब ये चीज क्या है, एफिशिएंसी विच इज लेस देन 1। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास एक्चुअल मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी और वी कैन से दैट एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। एफिशिएंसी एक्चुअल मशीन की हमेशा 1 से कम होगी या फिर हम कह सकते हैं 100% से वो कम होगी। ऑलराइट, एक्चुअल मशीन में ये लॉस क्यों हो रहा है, ड्यू टू द वेट ऑफ द पुली। आइडियल मशीन में हम मान के चलते हैं पुली का वेट ही नहीं है, उसके ऊपर जो रोप है उसका वेट नहीं है, मींस ऑल द सिस्टम्स आर मासलेस वेटलेस। एक्चुअल मशीन में उनका मास भी होता है ऑब्वियसली, रोप का भी मास होगा, फ्रिक्शन भी होगी और एनर्जी लॉस भी होगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारे पास हमेशा 100% से क्या आती है, हमेशा कम आती है। ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द वेरियस टर्मिनोलॉजीज। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ऑलराइट, सो नाउ वी आर क्विकली गोइंग टू स्टार्ट विद द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी। सो रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी ईटा, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थ्री थिंग्स। Alright. Now we know that efficiency is work output by work input. It is work output by work input. अब output work हमें किससे मिलता है, मशीन से, जो कि जितना लोड और जितना वो डिस्टेंस मूव करेगा L into DL. Input is our effort, so it is E into DE. अब यहां से हमें पता चल रहा है L by E क्या है, L by E is mechanical advantage into DL by DE. Mechanical advantage into DL by DE. या फिर हम कह सकते हैं mechanical advantage into DL divided by DE. This is one and the same thing. अब हम एक छोटी सी वेरिएशन कर रहे हैं, हम DL को नीचे ले आए. DL वैसे ऊपर पड़ा तो हमने उसको इसके डिनोमिनेटर में ले आए. So this can be possible. This will go above like this. अब DE by DL क्या है, दिस इज वेलोसिटी रेशियो। सो MA by वेलोसिटी रेशियो इज द एफिशिएंसी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी टाइम वेलोसिटी रेशियो। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी टाइम्स वेलोसिटी रेशियो। Alright, it is always efficiency times velocity ratio. Now here one thing, एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो velocity ratio ideal machine की होती है, वही हमेशा actual machine की भी velocity ratio होती है। जो velocity ratio ideal machine में होती है, same velocity ratio is for actual machine. सिर्फ efficiency बढ़ने या घटने से किसको फर्क पड़ेगा, mechanical advantage को। अगर शुरू में ideal machine के अगर हम केस लेते हैं, अगर उसमें किसी device की या किसी machine की velocity ratio है 1, तो efficiency जितनी मर्जी हो जाए
या फिर आप कह लो फ्रिक्शन जितनी मर्जी बढ़ जाए लेकिन वेलोसिटी रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ फर्क किसे पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज को। सो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछते हैं इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ऑलवेज सेम रहती है, जिसके ऊपर फ्रिक्शन वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट थिंग इज वेलोसिटी रेशो। अब वेलोसिटी रेशो हमेशा ही सेम रहती है, और कैसी रहेगी, जैसी आइडियल मशीन की वेलोसिटी रेशो होती है जब एफिशिएंसी क्या हो, 1। लेकिन एफिशिएंसी बढ़ने या घटने से किसको फर्क पड़ रहा है, सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज को। सो मैकेनिकल एडवांटेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू दी एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी चेंज होने की वजह से उसकी मैकेनिकल एडवांटेज को फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईटा, दैट इज एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशो। तो ये हमारे पास अभी सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, ये छोटा सा रिलेशन पढ़ लिया, ठीक। ऑलराइट, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज लिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज लिवर। अब लिवर क्या है, लिवर इज सिंपली अ रॉड, लिवर सिंपली हमारे पास क्या है, रॉड, जिसको हमने डिफरेंट या वैरायटीज ऑफ शेप्स में हमने उसको मोल्ड कर दिया, ठीक है। अब छोटी से छोटी चीज हमारे सराउंडिंग्स में है जो वो लिवर है, छोटी से छोटी चीज, इट इज अ मशीन। अभी हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या, दैट विल सी। अब ये जो लिवर है, हमारे आसपास की छोटी से छोटी चीज भी लिवर बन सकती है। अब सपोज हम किचन में एंटर किए, वहां पे हमने देखा हमारे पास लेमन स्क्वीजर पड़ा है। अब गर्मियां चल रही हैं तो नींबू पानी तो बहुत ही घरों में आम तौर पे बन ही जाता है, तो वो जो नींबू को हम जिसके साथ स्क्वैश करते हैं या स्क्वीज करते हैं, दैट थिंग इज ऑल्सो अ लिवर। देन नाइफ इज ऑल्सो अ लिवर, नाइफ भी लिवर। अब हम जिससे रोटियों को चेंज करते हैं उनकी साइड, चिमटा, दैट इज ऑल्सो अ लिवर। तो बहुत सारी चीजें, जैसे प्लायर हो गया, प्लास, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीजर्स, कैंची, दे आर ऑल्सो लिवर, सी सॉ, चिल्ड्रन, ऑलराइट, जो पार्क में जनरली होता है सी सॉ, दैट इज ऑल्सो लिवर। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास में हैं, दे आर ऑल काइंड्स ऑफ लिवर, ऑलराइट। अब ये जो लिवर है, इसके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, इस रॉड के पास तीन कंपोनेंट होते हैं। एक जिसके अबाउट ये लिवर घूमता है, फलक्रम, ये हमने फोर्थ चैप्टर में भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ा है कि फलक्रम के अबाउट कोई भी चीज मूव कर सकती है, ऑलराइट। सो ये उसको एक एक्सिस प्रोवाइड करता है रोटेट करने के लिए, टर्न करने के लिए, फलक्रम जिसके अबाउट ये एक्सिस बनाएगा और ट्राई टू रोटेट। नेक्स्ट इज लोड, लोड वो चीज जिसको हमने उठाना है, जिसको हमें ओवरकम करना है। एफर्ट, एफर्ट वो चीज है जो हमें लगानी है ताकि हम इस लोड को ओवरकम कर पाए। सो दिस इज बेसिकली अ लिवर, ऑलराइट। एक रॉड जो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और उसके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, एक फल्क्रम जिसके अबाउट वो रोटेट करेगी, एक लोड और एक एफर्ट, ऑलराइट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द फलक्रम और ऑल ऑफ दीज थ्री, वी कैन से दैट डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन ऑफ एफ एल एंड ई, दैट इज फलक्रम, लोड एंड एफर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ एफ एल एंड ई, लिवर्स, लिवर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। F, L और E की पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास लिवर है वो तीन टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज क्लास वन लिवर, सेकेंड इज क्लास टू लिवर, थर्ड इज क्लास थ्री लिवर। तो हमारे पास ये तीन तरह के क्लासेस हैं लिवर की, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। और अब इसको आपको इसी ही ऑर्डर में याद करना है, और ये ऑर्डर क्या है कि कौन सी चीज सेंटर में पड़ी है, कौन सी चीज सेंटर में पड़ी है। अगर तो फलक्रम सेंटर में है, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि सेंटर में कौन सी चीज पड़ी है, दैट इज इन बिटवीन द अदर टू।
फल क्रम अगर लोड और एफर्ट के सेंटर में है, सो लेट अस से दिस इज अ लिवर एंड फल क्रम इज इन द सेंटर ऑफ लोड एंड एफर्ट, तो हम उसको डिनोट करेंगे एज क्लास वन लिवर. सो दिस इज क्लास वन लिवर अगर फल क्रम सेंटर में है. इन क्लास टू लिवर, इन क्लास टू लिवर लोड इज इन द सेंटर. क्लास टू लिवर में लोड हमारे पास सेंटर पे होगा. इन क्लास टू लिवर लोड सेंटर में. एंड व्हाट अबाउट क्लास थ्री? क्लास थ्री लिवर में हमारे पास एफर्ट सेंटर में है और बाकी दोनों चीजें आसपास. सो इसमें हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड किस चीज पे है कि कौन सी चीज सेंटर में है. एंड वी विल गो ऑन विद एफ एल एंड डी. सो दिस इज नोन एज फ्ली. फ्ली वी विल रिमेंबर इट एज इट इज फ्ली. सो फर्स्ट इज फल्क्रम इन द सेंटर, सेकंड इज लोड इन द सेंटर, थर्ड इज एफर्ट इन द सेंटर. सो एफ एल एंड ई, एफ एल एंड ई. If fulcrum is in center class 1, load is in center class 2, effort is in center, then it is class 3. Alright. So now here, we are just going to derive class 1 lever here. Alright. Just we are going to draw class 1 lever here. We will derive a relationship of the mechanical advantage. The rest video about the numerical also we will be continuing in the next part. Alright, what is class 1 lever? अभी हमने देखा कि class 1 lever में क्या है. हमारे पास जो फलक्रम है वो हमारे पास center पे है. फलक्रम is in center. एक तरफ से हमने load apply किया, एक तरफ से हमने apply किया effort. Load apply किया effort. अब इसको आप seesaw की तरह समझो. दिस फल्क्रम इज इन द सेंटर. उधर से कोई बैठा तो इधर बेंड करेगा, इधर बैठा तो इधर बेंड करेगा. डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पर्सन ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू टर्न. ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ जाती है अबाउट द टर्निंग मोमेंट. अबाउट द टर्निंग मोमेंट. टर्निंग मोमेंट हमने ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर में पढ़ा. इसका क्या फॉर्मूला था? दिस वॉज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टेंस. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टर्निंग मोमेंट हैविंग यूनिट एज न्यूटन मीटर. ठीक है, चलो ठीक है. अब देखो हम इनको कैटेगराइज करते हैं. फलक्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज लोड आर्म. फलक्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज लोड आर्म. फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एज एफर्ट आर्म. तो एक हमारे पास आ गई लोड आर्म, एक हमारे पास आ गई एफर्ट आर्म. अब हमें पता है कि दिस थिंग हैज टू रोटेट अबाउट दिस फल्क्रम एफ. सो वी विल बी कंसिडरिंग मोमेंट अबाउट दीज पॉइंट्स. सो दिस इज द एक्सिस पॉइंट एंड ऑल द मोमेंट वी विल बी गोइंग टू कंसिडर अबाउट दिस पॉइंट. हमेशा जो मोमेंट या टर्निंग मोमेंट है वो हमेशा हम फल्क्रम के अबाउट ही निकालेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली अबाउट द फल्क्रम. कोई भी लिवर आ जाए हमें हमेशा ही जो टर्निंग मोमेंट है वो फल्क्रम के अबाउट ही निकालना है. और अब टर्निंग मोमेंट का एक प्रिंसिपल था कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का जो सम है वही क्लॉकवाइज मोमेंट के सम के बराबर होगा. मींस टोटल मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा. अब इसको निकालते कैसे हैं? जिसके अबाउट हमें निकालना है हम उसके ऊपर इस तरीके से हाथ रखेंगे ताकि इसी जस्ट इस पॉइंट के ऊपर नीचे अगर कोई फोर्स है तो हमें वो कंसिडर नहीं करनी. ऑल राइट, इस लोड की वजह से इसके अबाउट मोमेंट कहां निकलेगा? देखिए इधर, इस लोड के अगर मेरे पास ये चीज फलक्रम है, यहां मैं इसको लोड यहां पे अप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने इधर से लोड लगाया, इट विल ट्राई टू टर्न अपॉन दिस डायरेक्शन. सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन? क्लॉकवाइज. दिस डायरेक्शन इज व्हाट? क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट,
क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज द क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस इज लोड एल इनटू, कहां से कहां तक डिस्टेंस लेते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम एफ टू फलक्रम, फ्रॉम फोर्स टू फलक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम फोर्स टू फलक्रम, फोर्स है हमारे पास इधर लोड, ये रहा फलक्रम, तो कितना डिस्टेंस है इनटू लोड आर्म, इनटू लोड आर्म। नाउ अच्छा अब फलक्रम की अबाउट, इसकी वजह से भी हमें मोमेंट निकालना है, ठीक है, ये रहा फलक्रम, इधर हमने एफर्ट लगाया, इट विल ट्राई टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, दिस विल ट्राई टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अब हमने लगा दिया इस, सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसकी वजह से, एफर्ट की वजह से, सो एफर्ट इनटू कहां से कहां तक, फ्रॉम द फोर्स टू फलक्रम, दिस इज एफर्ट, दिस इज इक्वल्स टू एफर्ट, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज दिस थिंग। तो चलो इस इक्वेशन में अब हम पुट कर रहे हैं, व्हाट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, लोड इनटू लोड आर्म, लेट मी राइट इट फुल, लोड आर्म इक्वल्स टू, अब इधर है हमारे पास एफर्ट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, लेट मी टेक इट लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, दिस इज इक्वल्स टू लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है, तो हमें पता अगर मैं लोड बाय एफर्ट कर लूं तो मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, सो वी आर जस्ट मूविंग इट लाइक दिस, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट इक्वल्स टू, लोड बाय एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एंड व्हाट इज बेसिकली लोड बाय एफर्ट, एल बाय ई इज मैकेनिकल एडवांटेज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास जो आ चुका है वो ये है, मैकेनिकल एफर्ट इक्वल्स टू द एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज विल नाउ बी डिसाइडेड, वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज विल नाउ बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ दीज आर्म, वेदर दैट मैकेनिकल एडवांटेज वुड बी ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दीज लेंथ्स, सी दिस इज हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एंटायर थिंग इनटू वन स्टेटमेंट और वन फॉर्मूला, कि हमें सिर्फ दोनों आर्म्स की लेंथ पता हो तो हम मैकेनिकल एडवांटेज इस लिवर का निकाल सकते हैं, क्लास वन लिवर जिसमें फलक्रम हमारे पास सेंटर पोजिशन में है फ्रॉम लोड एंड एफर्ट, ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अब बस इसमें थोड़े से वेरिएशंस करने हैं, फिर हमारा ये टॉपिक है जो वो फिनिश हो जाएगा। चलिए अब हमें पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है दिस इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, एफर्ट आर्म इज इन न्यूमिनेटर, लोड आर्म इज इन डिनोमिनेटर, सो इफ न्यूमिनेटर इज बिगर देन द वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन वन, इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। अब अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है तो वो हमें क्या हेल्प करता है, दे विल हेल्प अस फॉर द फॉर एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो वो हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा अगर उसकी मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगी वन, इसका मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन मीन्स एल बाय ई इज ग्रेटर देन वन, लोड बाय एफर्ट इज ग्रेटर देन वन, सो इट मीन्स लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, व्हाट डज दिस मीन्स, कि हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट दैट लोड, सो वी विल बी अप्लाइंग लेस एफर्ट, एफर्ट इज लेस देन लोड, दिस स्टेटमेंट इज लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट मीन्स एफर्ट इज लेस देन लोड, सो वी विल हैव टू अप्लाई अ वेरी लेस एफर्ट टू मेक दिस ग्रेट लोड टू मूव। ऑलराइट, दूसरी चीज अगर, सो दिस वॉज वन, सेकेंड इफ ई ए इज लेस देन एल ए, अगर एफर्ट आर्म छोटी है एल ए से मीन्स न्यूमिनेटर कम है तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारा लेस देन वन,
अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन है, इट मींस वो फोर्स तो मल्टीप्लाई ऑब्वियसली नहीं कर रही, लेकिन इट हेल्प्स इन स्पीड मल्टीप्लाई, वो हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई करने में हमारी मदद करेगी. ऑलराइट, हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, दैट विल टेक अप व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर द एग्जांपल्स. तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम है, दे विल एक्ट एज स्पीड मल्टीप्लायर. तीसरी, ये भी तो हो सकता है कि जो फलक्रम है, लेट मी टॉक टेल यू अबाउट दिस, वो एग्जैक्टली सेंटर में हो. फलक्रम इज एग्जैक्टली सेंटर, जितनी लेंथ इस आर्म की उतनी ही लेंथ इस आर्म की. सो इट मींस अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर हैं, देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा हमारा, इक्वल टू वन. देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन. अगर किसी का मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन आता है, तो वो ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है, ना ही वो स्पीड मल्टीप्लायर है. वो क्या है, इट ओनली हेल्प्स अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी विल बी टेकिंग पार्ट, और दिस पार्ट विल बी टेकिंग इन द पुलिस, कि अगर किसी डिवाइस की मैकेनिकल एडवांटेज वन है, तो ना तो वो फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ना स्पीड मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन वो हमें एफर्ट लगाने की डायरेक्शन को हमारे लिए आसान कर रहा है. दैट इज इक्वल्स टू वन, मैकेनिकल एडवांटेज इज वन. हमें उतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है जितना हमें बिना इस मशीन के लगाना पड़ेगा. मैकेनिकल एडवांटेज वन मीन्स लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट. तो हमें एफर्ट को उठाने के लिए उतना ही लोड लगाना पड़ रहा है जितना हमें बिना इस मशीन के लगाना पड़ता. बट फायदा क्या हो गया कि हमें थकान कम महसूस होगी, बस इतना का काम हुआ है कि हमारा एफर्ट लगाने की डायरेक्शन बदल गई है, यानी हमें थकान स्ट्रेस कम लगेगा, लोड हमें एफर्ट सॉरी उतना ही लगाना पड़ेगा उस लोड को पिकअप करने के लिए. यानी कि क्लास वन लिवर कैन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर ओनली बाय इंक्रीजिंग एफर्ट आर्म, स्पीड मल्टीप्लायर बाय इंक्रीजिंग लोड आर्म, एंड इट कैन हेल्प अस इन चेंजिंग द डायरेक्शन जस्ट बाय मेकिंग बोथ द आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द क्लास वन लिवर. और अब हमने इसमें जो ये डराइव किया है, दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, so this was just a brief introduction about the lever, and this formula is very very important. So in the next video we will be continuing with the levers. We'll start with class 2, class 3 levers, and also hum unki examples bhi dekhenge hamare daily life mein ki wo kaise kaise work karte hain, and we'll see how they will act as force multiplier, speed multiplier. All these things will be cleared in the next video.